हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह आज मैं जल्दी उठी हूँ और उठ के साथ जल्दी से अपने घर का सारा काम निपटाया, साफ सफाई करी और मैं आ चुकी हूँ किचन में प्रसाद बनाने। तो जी आज है अष्टमी, कन्या पूजन का दिन। माता रानी के नवरात्रे अब ख़त्म होने को है और हमारे यहाँ अष्टमी की कढ़ाई होती है। तो बस अब मैं यहाँ पर हलवा तैयार कर रही हूँ और मेरा हलवा ऑलरेडी बन चुका है। बस इसे अब एक भिगोने में निकाल दिया है और इसके बाद मैं बनाऊँगी चने, चने छोंकूंगी, क्योंकि चने मैं उबाल चुकी हूँ सुबह उठती। मतलब सबसे पहले किचन में आके मैंने यही काम करा था कि मैंने चने बॉयल होने रख दिए थे और बस अब यहाँ पर मैं थोड़े से चने निकाल रही हूँ अलग से, जिसको मैं छोकूंगी और थोड़े से चने मैंने अलग। पापा का फोन क्यों तोड़ा पहले ये बता। थोड़ा नहीं फेंका ही क्यों? पापा का फोन क्यों फेंका तूने बाहर, ये बताओ पहले क्यों फेंका? हैं, गलत बात है नहीं? पापा का फोन टूट गया तो फिर अब वो कैसे बात करोगे? पापा का फोन, आप गंदे बच्चे हो। हां गंदे बच्चे, बहुत ज्यादा गंदे बच्चे हो। तो पापा का फोन उठाते हैं इसको जी, इसको अब ना चिंता वो मैं बताऊंगा तुझे अभी। तो यहाँ पर अम्मू के पापा को गुस्सा आ गया था क्योंकि जब ये नारियल छील रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए अंदर आए थे बस, और अम्मू ने ना फ़ोन उठा के इनका बाहर घेर दिया था, तो इस वजह से थोड़ा फ़ोन पे क्रैक आ गए थे। बट क्या करे, बच्चा है और फिर ऊपर से इतने प्यार से खुद ही कह रही है कि मैंने फ़ोन घेरा है। और फिर कन्या, आज तो वैसे भी कढ़ाई का दिन था और छोटी छोटी कन्याओं को फिर क्या डांटना, भगवान का रूप है, माता रानी का रूप है, तो बस अब क्या कर सकते थे। अब यहाँ पर बस मैंने अपनी मतलब पूरियाँ बना ली हैं, बस अब जैसे ये प्रसाद की पूरियाँ बन के तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम लगाएंगे मीन्स जोत, माता रानी का भोग लगाएंगे जोत लगा के। और जो हमारी आज अखंड जोत, इतने दिनों से पूरे नवरात्रों से अखंड जोत घर में जग रही थी, आज जोत भी उठेगी और फिर जोत उठेगी तो फिर आरती भी होगी आज माता रानी की। तो वैसे अखंड जोत है ना, मतलब पूरे कहते हैं कि पूरे जो 9 दिन तक अखंड जोत हिलती नहीं है, सिर्फ जब कढ़ाई होती है, जब कढ़ाई के दिन ही अखंड जोत उठती है और उसी टाइम पर आरती होती है। तो बस अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं माता रानी का भोग और इसके बाद यही जोत उठाएंगे, आज ही मैंने इनके हाथ से ही उठवाई है। और हम यहाँ पर अब कर रहे हैं आरती। और अम्मू यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि अम्मू के चाचू उसको लेके गए हुए हैं, वो अपनी दादी के घर गई हुई है मीन्स कन्या पूजन के लिए। और बस यहाँ पर जैसे अम्मू और मतलब आयरा आ गई है और जैसे ही बच्चे आ गए हैं और यहाँ पर अब हमारी भी तैयारी बस ऑलमोस्ट पूरी है, अब बस यहाँ पर हम भी कन्या पूजन के लिए रेडी हैं। और ये देखो बस बच्चे आ गए हैं और इसके बाद मैंने जितनी भी कन्याएं हमारे घर में आई हैं आज के दिन, मैंने सबके पैर धो के उनको अंदर कमरे में बिठाया, तिलक करा सारी कन्याओं को, उनको कलावा बांधा है, उनको प्रसाद दिया है, सबको भोग लगाया है प्रसाद का। और देखो हमारी अम्मू तो बिल्कुल नीचे बैठी नहीं रही थी, ये पता नहीं क्यों इतनी इनसिक्योर हो जाती है, बिल्कुल फिर उसको ज़्यादा लाड़ आ जाते हैं, पापा की गोदी से उतर ही नहीं रही थी। पूरे साल में शायद यही 2 दिन होते होंगे जब सभी लोगों को मीन्स बेटे की वैल्यू समझ में आती है और लोग हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर में लेके आते हैं, ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं मीन्स बेटियों को। और क्योंकि अब आजकल बेटियों की कमी भी हो रखी है तो जल्दी से कन्याएं मिलती भी नहीं है, हमें भी बड़ी मुश्किल से मिली थी कन्याएं, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा था जब जाकर मतलब सारी कन्याएं मिली थी हमें भी। तो बस क्या कर सकते हैं, अब इसमें अपनी अपनी वो है सबकी। वैसे तो कुछ लोग खुश भी होते हैं बेटे होने पर, तो कुछ मूवी बना लेते हैं, बट क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी, अपनी अपनी सोच है।
अब यहाँ पर हमने मीन्स सभी कन्याओं को भोग लगा दिया है, प्रसाद दे दिया है, और बस मैं सभी कन्याओं के लिए अपनी तरफ से हेयर बैंड लेके आई थी, क्योंकि एक तो हमारे नए घर में पहले नवरात्रि आएंगे और फिर हमारे क्लाउड किचन को महीना भर भी कंप्लीट हो गया था, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ बच्चों को देना चाह रही थी, कन्याओं को देना चाह रही थी, तो मैं सबके लिए हेयर बैंड लेके आई थी और सबको इतने पसंद आए ना, मीन्स सब कन्याएं अपना फेवरेट कलर ले रही थी मेरे से मांग मांग के। तो बस अब यहाँ पर पूजन हो गया है और अब मैं बनाऊंगी चाय, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे अब बस आराम से बैठ के, क्योंकि इन्होंने प्रसाद अभी खाया नहीं है क्योंकि इनका आज मंगलवार का व्रत है इस वजह से इन्होंने, और बस कढ़ाई हो चुकी है, अब मेरे भी फास्ट खुल जाएंगे, आज मैं भी प्रसाद खाऊंगी, माता रानी का प्रसाद खा के अपना फास्ट खोलूंगी। तो बस चलो चाय बनाते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगी। अष्टमी पूजन के दिन की वीडियो, हमारे छोटे से मतलब हमारी वीडियो, छोटा सा व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।